का अपना कोई रिलीजन या कोई मजहब नहीं होता, भिक्खु धम्म पे आधारित होता है, और धम्म हर एक मनुष्य में है, धम्म जितने जीव हैं उनमें है। ऐसे कैसे बनेगा प्रबुद्ध भारत भंते? दरअसल एक पोस्ट की थी जिस पोस्ट में ये कहा गया था कि जो भिक्खु हैं और जो भिक्खुनी हैं भारत के अंदर, उनको लोगों के दुख दर्द में जाना चाहिए, जहां भी लोग परेशान हैं या सड़कों पे बैठे हुए हैं या एजिटेशन कर रहे हैं या भूखे हैं या कहीं कोई अपने हक और अधिकार के लिए आगे अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं। तो साउथ से, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया है और साउथ है, वहां से कई सारे जो कमेंट्स आए वो अच्छे थे, और कई सारे ऐसे थे कि बड़े छोटे नैरो, छोटे दिमाग के, नैरो माइंड के थे, बहुत ज्यादा संकुचित पूरी तरह से मन के और दिमाग के थे। दरअसल कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो ये कहना चाह रहे थे कि भिक्खु का सारी दुनिया से क्या लेना देना है, भिक्खु का सारी दुनिया के दुख दर्द से क्या लेना देना है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि भिक्खु का तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर और जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुयायी बनाए हैं उनसे ही लेना देना है। कई भिक्खु उनके कमेंट भी थे इस तरह के। तो इस तरह से कैसे प्रबुद्ध भारत बनाएंगे और कैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करेंगे? दरअसल जो बुद्ध हुए हैं वो तो पूरी दुनिया के हुए हैं, और जो उनकी फिलॉसफी है वो भी पूरी दुनिया की है। जब कोई भिक्खु बनता है, जब कोई भिक्खुनी बनती है, तो उसकी पहली और आखिरी शर्त होती है कि वो सबको बराबर देखेगा, यानी समता में देखेगा, समता का व्यवहार करेगा। अब उसका अपना कुछ नहीं है, हर मनुष्य के लिए उसकी शिक्षा है, हर मनुष्य उसके लिए बराबर है। इसके हिसाब से भिक्खुओं को सब जगह जाना चाहिए, चाहे वो अंबेडकरवादी है या नहीं है, चाहे वो फूले का है या नहीं है, चाहे वो कोई मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा है या नहीं है, चाहे वो कोई परंपरागत बुद्धिस्ट, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट, महायानी, हीनयानी है या नहीं है, चाहे वो उपासक है या नहीं है। दरअसल भिक्खु अगर किसी नए व्यक्ति के पास जाएगा ही नहीं तो उसको धम्म कैसे बताएगा? धम्म तो उस तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि भिक्खु अपना व्यवहार से किसी का दिल जीतता है, और फिर वो व्यक्ति जिज्ञासा में पूछता है कि ये जो भिक्खु इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, ये फिलॉसफी है कौन सी, ये कौन सी सिक्खा है, ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी एजुकेशन है, ये कौन सी तमीज है, ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सी चीज चल रही है जिससे कि एक व्यक्ति इतना सरल और इतना शांत है और इतना अच्छा है। तो भिक्खु और भिक्खुनी के व्यवहार से लोग बदलते हैं। ऐसा ही हुआ जब भगवान बुद्ध ने सबसे पहले साठा बनाया, यानी कि सारनाथ के अंदर जब उन्होंने दीक्षा दी और वहां पे 60 लोग इकट्ठे हुए उनके व्यवहार से, उनकी एजुकेशन से, तो पहली बार संघ में 60 लोग इकट्ठे हुए। तो अगर प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल भारत बनाना चाहते हैं, बुद्धिजीवी भारत बनाना चाहते हैं, तो भिक्खुओं को सभी में जाना होगा, सभी के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी मजहब का है, चाहे वो किसी रिलीजन का है, क्योंकि भिक्खु का अपना कोई रिलीजन या कोई मजहब नहीं होता, भिक्खु धम्म पे आधारित होता है, और धम्म हर एक मनुष्य में है, धम्म जितने जीव हैं उनमें है। इसलिए उन बातों से ऊपर उठ के जब भिक्खु निकलेंगे बाहर, जाएंगे बाहर, लोगों से मिलेंगे बाहर, तब आप ये उम्मीद करना कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रबुद्ध भारत का, इंटेलेक्चुअल भारत का, इंटेलेक्चुअल इंडिया का सपना पूरा हो सकता है। अदरवाइज अगर भिक्खु एक ही कास्ट में या अपने उपासकों के घर या जो उनके अनुयायी हैं उन्हीं के घर या जो बाबा साहब को मानने वाले हैं उन्हीं के घर या जो शाक्य या जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनके घर वहीं जाते रहेंगे तो धम्म कैसे बढ़ेगा? धम्म तो अटक जाएगा, रुक जाएगा, रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है, धम्म भी सड़ जाएगा। धन्यवाद। Thank you.
विसीर्णो